मैच नंबर 32 गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। अभी फिलहाल पता है दोनों टीम्स की हालत कैसी है। एक टीम ऐसी है जो भाई पॉइंट्स टेबल के बीच में झूल रही है, गुजरात टाइटंस। जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, बराबर चल रहे हैं अभी के लिए। बैलेंस, आधे जीते आधे हारे, छठे पोजिशन पर है। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ ना दिल्ली कैपिटल्स की, तो भाई साहब दो टीम के बीच में यहाँ से एकदम ऐसा है ना कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि कौन बॉटम पर रहेगा। और दिल्ली कैपिटल उन दो टीम में से एक है जो फिलहाल के लिए 9वीं पोजीशन पर है, क्योंकि RCB 10वें पर है। तो 9वीं पर दिल्ली कैपिटल्स है, एंड अब वो यहाँ से भाई जो है ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, अगर जीतते हैं तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा तो ऊपर जा सकते हैं। अब आज के लिए क्या प्रेडिक्शन बनती है, क्या टीम बनती है, सारी चीज़ें करने वाले हैं डिस्कस। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और कल की भी जो प्रेडिक्शंस थी अपने देख लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। चाहे वो सुनील नारायण हो, चाहे जोश पटलर हो, चाहे यहाँ से बाकी खिलाड़ी हो, नहीं बढ़िया गया ना, मज़ा ही आ गया वैसे कल के मैच में। और वीडियो जिन्होंने देखी, जिन्होंने लाइव देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ना वीडियो तो देख लेते हो, बट लाइव में ना फिर क्या होता है कि पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस और वो सब चीज़ें भी हो जाती है प्लेयर्स के बीच में, नहीं तो इसीलिए लाइव देखना भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो अगर नहीं देखते हो देख लिया करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, 6:30 से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, 6:30 लाइव आने वाले हैं। ठीक है, कल का लाइव चाहे जाके देख लेना, क्या टिप्स दी थी, क्या सारी चीज़ें ग्रैंड लीग के बारे में बताई थी, उसको एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी वरना आज ज्वाइन हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है, तो आज से ज्वाइन कर लेना लाइव को। हाँ, बट अभी अगर वीडियो पर आएँ तो भाई इस वीडियो में आपके लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि 25,000 रुपये फ्री में जीतने का मौका है, वो भी सिर्फ 1 रुपये लगाकर। सोचो 1 रुपये में 25,000 जीतने का मौका, इतना ज़्यादा रिटर्न है नहीं, तो ये मिल सकता है आपको। कैसे है क्या है सारी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहना, और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। ऐसा नहीं कि स्किप कर दोगे, लाइव में तो सब बताएगा, लाइव में ग्रैंड लीग की बातें होती है, यहाँ पर पूरा आपको स्मॉल लीग के बारे में स्टैट्स और सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड इवन न्यूज़ भी है वॉर्नर को लेके, साहा को लेके, डेविड मिलर को लेके, मैथ्यू वेड को लेके, अभिनव मनोहर को लेके, बहुत सारी न्यूज़ भी है, ज़रा उसकी भी डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक देखोगे तो समझ आएगा। और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे को लग रहा है तुम ना बस बाकी सब काम याद रखते हो, लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो पटाख से, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल नोटिफिकेशन पुराने नए भाई अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो कर लो अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, फिर ऐसा ना हो कि भूल जाओ, नहीं अभी तक मिस करता है तो अब नहीं मिस करना। ज़रा चलते हैं मैच पर, बट उससे पहले एक और चीज़ है कि काफ़ी सारी अपडेट्स है, एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है कि वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें वो आती है टेलीग्राम चैनल पर भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी जाके वो भी ज्वाइन कर लेना देर होने से पहले। बाकी देखो 7:30 मैच कर लाइन अहमदाबाद पर मैच खेला जाएगा, और हम इस खिलाड़ी का और अहमदाबाद का नाता जानते हैं, क्या चलता है नहीं। बाकी देखो यहाँ से भाई 30 मैचेस हो चुके हैं, 13 बैटिंग फर्स्ट ने, 16 जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, एक मैच टाई है, 169 का एवरेज स्कोर है, रन यहाँ पर बन जा रहे हैं। अभी अगर पिछले 2-3 मैचेस भी आप देखोगे, वैसे विकेट्स की बात करूँ तो पेसर्स तो भाई पिछले 4 मैच में ठीक ठीक से निकाले, 13 विकेट पेस किया, 13 विकेट स्पिन किया, और 5 विकेट स्पिन के 5 विकेट स्पिन के फर्स्ट में, 8 विकेट स्पिन के सेकंड में। आज जरा हमारा पेज आगे लग गया तो पहले बता दिया बॉलर्स के विकेट। बट देखो अगर हम मैचेस की बात करें, अभी तक हो चुके हैं 3 मैचेस इस ग्राउंड पर, स्पिनर्स के विकेट देखोगे 4 विकेट। ठीक है, जो चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ इस ग्राउंड पर ना बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं आते, बट 3 से 4 विकेट स्पिन के रहते हैं, 4 विकेट और पहले वाले में 2 विकेट थे, जबकि पेसर्स के देखो 7 विकेट है, 6 इसमें रहते, पहला मैच जो था उसमें थोड़े विकेट ज़्यादा गिर गए थे, वरना यहाँ देखोगे तो 20 में से भाई 11 विकेट गिरे, रनआउट इंक्लूड करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सिर्फ बॉलर्स के विकेट हो ये गिन सकते हो, यहाँ पर 11 विकेट गिरे, यहाँ 15 चले गए थे, वरना भाई ऐसा है। और इवन पिछले साल का भी आप ये मैच देखो तो 9 विकेट थे, हालांकि हुआ ये पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 15 ओवर ही CSK नहीं खेले थे, उसी में टारगेट चेज हो गया था, तो यहाँ से देखो 9 विकेट इस मैच में गिरे, तो विकेट थोड़े यहाँ कम गिरते हैं, रन यहाँ पर ठीक ठाक बन जाते हैं। एक एवरेज स्कोर अगर मैं इस सीज़न का आपको बताऊँ तो भाई वो ऐसा है कि आप ना 180 डेफिनेटली मानकर चल सकते हो। ठीक है, 180, क्योंकि देखो यहाँ पर SRH ने थोड़ी सी खराब बैटिंग की थी, वरना GT का अगर आप स्कोर देखो 168/3 था, यहाँ पर 168/8 था, जबकि MI यहाँ थोड़ा खराब बैटिंग कर गया, बट 168 बड़ी आराम से बना था, यहाँ GT ने सही थोड़ा सा रन वगैरह बना के चले, 199 बना दिया, PB केस ने चेज भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं रन डेफिनेटली इस ग्राउंड पर बन सकते हैं। हाँ, बाकी ग्राउंड से थोड़ा सा एक बड़ा हो जाता है ग्राउंड, स्क्वायर बाउंड्रीज और स्ट्रेट बाउंड्रीज के मामले में, बट उतना भी नहीं कि रन ना बने। लेकिन अगर उनकी बात करें गुजरात की तरफ से, अब पहले मैं आपको अपडेट्स दे देता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि स्लेड पहले बन गई थी, बट वो जो अपडेट्स है इंजरी की वो सब बाद में आई थी, तो आपको चेंजेस उसमें दिखेंगे नहीं, तो मैं चेंज पहले कर दूँ। देखो भाई, सुदर्शन जाएगा 3 पर, वेड की जगह पे आएगा साहा, जो कि ओपनिंग करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, समझ गए, साहा आज के लिए ओपन करेगा, सुदर्शन 3 पर, और अभिनव मनोहर की जगह पर कौन आएगा, क्योंकि एक ओवरसीज जा रहा है तो स्पॉट खाली हो गया ना ओवरसीज का, तो अभिनव मनोहर की जगह पर आपको दिखेगा डेविड मिलर।
ठीक है, तो इस तरीके से प्लेइंग इलेवन लेके चलो कि भाई साहा गिल ओपन करेंगे, 3 पर सुदर्शन, 4 पर डेविड मिलर, बाकी आपको पूरी प्लेइंग इलेवन सेम दिख सकती है, क्योंकि अभी के लिए साहा भी प्रैक्टिस करते हुए दिखा कीपिंग की, पिछले मैच में हमने देखा वीर ने कहीं ना कहीं वो कैचेस मिस कर दिए थे, बट उसके अलावा डेविड मिलर भी फिट हो चुका है, जो मोस्ट प्रॉब्ली अब मैथ्यू वेड को बाहर करके एक स्पॉट जो खाली होगा उसकी जगह डेविड मिलर आ जाएगा। ठीक है, अभिनव मनोहर के बाहर जाने के ज्यादा चांसेस है, वैसे मेरे को जो लगता है कि विजय शंकर को भेजना चाहिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली अभिनव मनोहर ही जाएगा। अब आते हैं जरा आज के लिए क्या जो है सारी चीज़ें रहती है। अब साहा का रिसेंट फॉर्म और मिलर का रिसेंट फॉर्म अगले पेज पर देख लेंगे, उससे पहले गिल का देख ले। तो भाई गिल देखो ऑब्वियसली ज़्यादा मैं बोलूँ खराब फॉर्म में है नहीं, बढ़िया चल रहा है, और जब ग्राउंड अहमदाबाद का हो तो वहाँ तो शक कर ही नहीं सकते गिल के ऊपर, तो डेफिनेटली स्मॉल लीग के लिए ठीक है। उसके बाद में विजय शंकर है, जीएल वगैरह टीम्स में देखो रखना है तो रख सकते हो, बहुत ज़्यादा रन अभी तक विजय शंकर से आए नहीं है, इवन जिस मैच में पूरा खेला है उसमें भी 16-17-8 बने हैं, और एक दो मैचेस ऐसे हैं जिसमें नॉट आउट रहा है, 6 नॉट आउट और 14 नॉट आउट का स्कोर भी देखने को मिला है। राहुल देवतिया इसको भी जीएल टीम्स में ही रखो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कोई एक डिफरेंशियल प्लेयर हर मैच में आ जाता है, डिफरेंट अपनी जो ग्रैंड लीग की टीम लास्ट में बन के आती है एकदम, टीम है जीएल में जरूर रख सकते हो, एसएल के लिए शायद आपके लिए उतना यूजफुल देखो ना बने, बट ग्रैंड लीग में जरूर तेवतिया को ट्राई करना, क्योंकि पिछले अगर आप स्कोर देखोगे तेवतिया की तरफ से 22 है, 23 है, 30 है, 22 है, ठीक है, इतने रन ये बना जाते हैं और अपनी ग्रैंड लीग टीम में एक डिफरेंशियल के लिए इतनी जगह जरूर बन जाती है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखा जाए तो राशिद खान है इस ग्राउंड पर, भाई ऑब्वियसली राशिद खान और यहाँ से मोहित शर्मा दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो दोनों ही यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद में बीच बॉलिंग की बात की जाए, स्पेंसर जॉनसन पिछले दो मैचेस रह चुके हैं विकेटलेस, उमेश यादव एक और दो विकेट है। अब पता है क्या है आज के लिए ना, दिल्ली की पार्टनरशिप जो है ओपनिंग वो उतनी अच्छी है नहीं, उमेश यादव ग्रैंड लीग में जरूर आप सीवीसी करना, उसका रीज़न बता देता हूँ। उमेश यादव का एक तो ना दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इवन इस पिच पर शुरुआती ओवर में स्विंग होती है तो उमेश यादव भाई डेफिनेटली अच्छा कर सकता है, अगर एसएल में रिस्क लेना चाहो तो ले लेना आज के लिए ना, इन दोनों में से अगर एसएल में रिस्क लेना हो, सेफ जाना हो तो भाई फिर राशिद और मोहित शर्मा अपने पास हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर थोड़ा रिस्क लेना हो तो उमेश या नूर अहमद में से किसी एक को रख सकते हो। नूर अहमद को अभी तक जो विकेट मिले हैं वो भी इस ग्राउंड पर ही मिले हैं, बाकी जगह विकेट लेस गए। उमेश यादव आज के लिए शुरुआत में है, हाई चांसेस कि भाई एक ना एक विकेट निकाल सकता है। ठीक है, अब जरा बाकी बात करें अपने साहा और डेविड मिलर की, कहाँ गए हमारे साहा भाई, हाँ ये रहे। देखो साहा का जो अभी तक का रिसेंट फॉर्म है ना, 11-25-21 कुछ इस तरीके से इनके जो रन्स रहे, शुरुआत मिली है बट उतनी बड़ी पारी नहीं है, बट हाँ कुल मिलाकर आपको विकेट कीपिंग वगैरह से ठीक ठाक पॉइंट ये देके चले जाएंगे, तो ऋषभ पंत के साथ में भाई इनको जरूर रख सकते हो। मिलर ने जाने से पहले लाइक इंजर्ड होने से पहले 44 बनाए थे, उससे पहले 21 का स्कोर था, डेफिनेटली मिलर अहमदाबाद के ग्राउंड पर ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। ठीक है, अब सबको तो लेने की जरूरत नहीं है, बट साहा मिलर में से किसी एक के साथ में आप जरूर जा सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अपन ने यहाँ से अभिनव मनोहर विजय शंकर तेवतिया किसी को लिया नहीं है, वेड़ की साई सुदर्शन अपने पास में एक मस्ट पिक बनता है, अभी तक का भाई यही एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी जो 30 से ऊपर ही चल रहा है हर बार। देखो ना तो बहुत ज़्यादा रन बना रहे कोई बड़ी पारी, ना ऐसा कि आपको पॉइंट्स ही नहीं देके जा रहे, बट सचेत रहना, क्योंकि देखो भाई कभी भी होता नहीं है कि एक खिलाड़ी ना हर मैच में 30-30-30-40-40 स्कोर गिरा जा रहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई मैच यहाँ से जरूर आएगा सुदर्शन का, तो टीम में जरूर रख लेना, बट मैं उसे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इतना सजेशन नहीं दूंगा, टीम में रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कोई डाउट नहीं, तो टीम में जरूर रखना, बट कोई ना कोई एक मैच फ्लॉप होने वाले तो ग्रैंड लीग में रिस्क भी ले लेना साथ के साथ ड्रॉप करने का कुछ टीम्स में। यहाँ से साई सुदर्शन अपने पास में जाता है, गिल हो जाता है, साहा विकेट कीपर से पिक कर लेते हो, उसके बाद में राशिद खान अपने पास बॉलिंग सेक्शन से, मोहित शर्मा टू बी सेफ, स्पेशली पहले बॉलिंग करते हो, सेकंड बॉलिंग करे तो चाहो रिस्क ले लेना मोहित शर्मा को ड्रॉप करके, बट आई थिंक पहले बॉलिंग में इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में उमेश यादव या नूर अहमद कोई ना कोई आज एक अच्छा कर सकता है, या तो नूर अहमद मिडल ओवर में बहुत बढ़िया करके जाएगा, या उमेश यादव शुरुआत में एक ना एक विकेट लेता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट बाकी अगर हम बेंच की बात करें इनके पास में भाई अगर ये विजय शंकर वगैरह की जगह पर खिलाना चाहे तो शाहरुख खान भी एक अच्छा ऑप्शन है, माना सुतार है जोशुआ लिटल स्पेंसर जॉनसन की जगह पर आ सकता है, जिस तरीके से स्पेंसर जॉनसन ने पिछले दो मैचेस खेले विकेट लेस रहे हैं, तो लिटल आई थिंक की कहीं ना कहीं लिटल की एंट्री चांस बनते हैं जरूर से, और लिटल शुरुआती ओवर में बॉलिंग अच्छी कर लेता है, मे बी जॉनसन से विकेट ना हिलाओ बट लिटिल जरूर जा देगा भाई शुरुआती ओवर में, ये काफ़ी हद तक एक चीज़ बोल सकते हो। बाकी कार्तिक त्यागी इनके पास में, ये भी बढ़िया डोमेस्टिक बॉलर है, जयंत यादव है, संदीप वॉरियर भी अच्छी पेस के साथ में डालता है, एंड इवन डोमेस्टिक में विकेट्स वगैरह भी निकाल रखे हैं। उसके बाद में सुशांत मिश्रा है लेफ्ट आर्म पेसर, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भाई विलियमसन भी है इनके पास में, हाँ बट चांस कम है विलियमसन वगैरह को खिलाने के, दर्शन नालकंडे से ये ऑलरेडी भाई ऐसा है कि एक एक दो दो ओवर कराए थे, एंड फिलहाल के लिए इनको बाहर बैठा चुके हैं रिद्धिमान सहाय, उमर सही, डेविड मिलर, साई किशोर, एंड देन बीआर शरत यहाँ से हो जाते हैं। अब आते हैं जरा भाई इनके ओवर्स के ऊपर, तो ऐसा है कि चाहे जॉनसन खेले चाहे लिटिल खेले, ठीक है इनमें से कोई भी खेले आपको वही शुरुआत में बॉलिंग करता हुआ दिख जाएगा, तो उमेश यादव प्लस स्पेंसर जॉनसन आपको पावर प्ले में डालते हुए दिखेंगे। उमेश यादव का डेप्थ देखो ऐसा है कि कंफर्म रहता नहीं है, कभी कभार एक ओवर डाल जाता है, कभी दो डाल जाता है, बट मोस्टली
एक ओवर उमेश यादव का डेथ में मान के चलो 16 से 20 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जॉनसन की तरफ से एक से दो ओवर बिल्कुल मैं बोलूंगा आ सकता है, और मोहित शर्मा आपको दो ओवर डेथ में डालता हुआ दिख सकता है। पहले बॉलिंग जब करती है टीम उसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड बॉलिंग में तो वो चेज के हिसाब से जो है एडजस्ट होती जाती है चीज़ें कि भाई किसको ओवर मिलना चाहिए किसको नहीं, तो उस वजह से। बट फर्स्ट बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको मोहित शर्मा डेथ में डालता हुआ दिख जाएगा दो ओवर, और इन दोनों की तरफ से हो सकता है एक एक ओवर आ जाए। राशिद खान नूर अहमद मिडिल ओवर में अपना जो है काम करके चले जाएंगे। अब आते हैं ज़रा एक गिव अवे के ऊपर, 25,000 रुपये का फ्री गिव अवे आपके लिए, पहला प्राइज ज़बरदस्त जीत सकते हो। कैसे जीत सकते हो, आज का मैच है अपना भाई गुजरात और दिल्ली के बीच में, उसकी डेडलाइन से पहले क्या करना है ना, उससे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, माइलन सर्कल कर लेना डाउनलोड, और वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में, रजिस्टर करने के बाद में, अब ये वाला जो एक रुपये का जो लीग है ना वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर 25,000 रुपये आपके पास में जीतने का मौका रहेगा। एंड ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, न्यू यूज़र्स के लिए, तो ध्यान रखना, ठीक है। एंड उसके बाद में एक और चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर जो मेगा ग्रैंड लीग का जो डेली प्राइस होता है ना वो 1 करोड़ से तो सिर्फ शुरुआत होती है, इवन उससे ऊपर भी ज़बरदस्त प्राइस जो है रहते हैं। तो 1 करोड़ तो भाई है ही है, उससे ऊपर 2-3 करोड़ भी है, इवन यहाँ जो बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन भी कम रहता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर कम रहता है, जीतने के लिए चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर मेगा लीग खेलोगे तो ऑब्वियसली फायदे में रहोगे, जहाँ मैं बोलूँगा आपकी कहीं 1 लाख रैंक आ रही है, यहाँ पर वही रैंक आपकी सीजो होगी सीधा 10,000 पे पहुँच जाएगी, इवन उससे भी ऊपर, बता रहा हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में देखो कोड भी दिया है, उसको मत भूलना, क्योंकि वो कोड यूज़ करोगे ना तो 20% एक्स्ट्रा कैश आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो, 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा जिसको आप 100% यूज़ कर सकते हो, आपके वॉलेट में आ जाएगा डिपॉजिट करने के, आपका जो पहला डिपॉजिट होगा उसमें, तो बस कोड जरूरी ध्यान में रखना। और साथ ही साथ 1500 रुपये का बोनस भी है, तो बोनस भाई अलग है, और ये 20% आपका अलग से मेरी तरफ से, ज़बरदस्त, तो कर लेना डाउनलोड इससे पहले कि वो लीक जो है फुल हो जाए। बाकी बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, अब एक न्यूज़ इधर से भी, कल ना सारी न्यूज़ लेट आई सारी न्यूज़ ये जो स्लाइड वगैरह थी एडिटिंग करने के बाद में आई, तो इसी वजह से इनमें अपडेटेड नहीं है। बट एक न्यूज़ आपको बताता हूँ, डेविड वॉर्नर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कंफर्म है कि शायद आज ना खेले। देखो भाई ऐसा है कि 90% चांसेस है कि ना खेले, हो सकता है 10% खेल भी जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लेइंग 11 आ जाती है उसका तब की तब देख लेंगे। बट देखो आज के लिए काफ़ी हाई चांसेस है कि शायद आपको डेविड वॉर्नर खेलता हुआ ना दिखे, इंजरी की वजह से, भाई के अंगूठे या हाथ में कुछ तो है कि सूजन वगैरह आ चुकी है, ठीक है, एक्सरेज वगैरह क्लियर है, तो ऐसा कोई बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी नहीं है, बट हो सकता है आज का मैच आपको मिस करते हुए दिख जाए अगर डेविड वॉर्नर फुल्ली फिट नहीं हुआ तो, जो कि चांसेस है कि शायद होगा भी नहीं, ठीक है, तो उस चीज़ करेंगे। बट अगर खेलता है तो ठीक है, बट मोस्टली चांसेस है आज के लिए ना खेलने के। तो ओपन कौन कर सकता है, अब टीम के पास में ना एक दो ऑप्शंस बनते हैं यहाँ से किसी और को ओपन कराने के लिए, जैक फ्रेजर मैगर को भी करा सकते हैं, बट उस चीज़ के चांस थोड़े कम है। बट यहाँ से ओपनिंग करने के लिए अभिषेक पोरेल को चुना जा सकता है, क्योंकि अगर इसके अलावा डेविड वॉर्नर के अलावा अगर हम देखें तो टीम में कोई भी एज सच कोई एक बोल सकता है ना कि एज एन पर्टिकुलर ओपनर वो आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अमरीके भूई देखे, यश दुल देखे, सारे के सारे मिडिल ऑर्डर बैटर है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपर एक ओपनर आपको देखने को नहीं मिलता, तो इस वजह से ये चीज़ हो सकती है कि अभिषेक पोरल आपको जो है भाई वो यहाँ से ओपन करते हुए नजर आ जाए पृथ्वी शो के साथ में, अगर डेविड वॉर्नर नहीं खेलेगा तो, अगर खेलेगा तो फिर यही दोनों करने वाले हैं। बाकी पृथ्वी शो ठीक फॉर्म में चल रहा है, शुरुआत में दिक्कत हो सकती है उमेश यादव से, ठीक है, ये चीज़ एक मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिस्क पृथ्वी शो और डेविड वॉर्नर दोनों के लिए बनता है, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड जो है उमेश यादव के अगेंस्ट में उतना अच्छा नहीं रहता है। बाकी जैक फ्रेजर मैगर किस किसने ट्राई किया ग्रैंड लीग में आज मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, पिछली बार जब मैं बोल हर बार मैं बोलता हूँ जैक फ्रेजर मैगर के बारे में, पिछली बार खेला भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देख लो दिखाया 55 यहाँ से, कहीं ना जैसा अभी के लिए ट्रिस्टन स्टप्स परफॉर्मेंस दे रहा है ना बढ़िया, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा या तो बिल्कुल लो गया अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है मोस्टली, वैसा ही आपको कहीं ना कहीं जैक फ्रेजर मैगर भी यहाँ पर जो करता हुआ दिखेगा आपको आगे आने वाले मैचेस में। बाकी ऋषभ पंत ऑब्वियसली मस्ट पिक बनता है अपने पास विकेट कीपर सेक्शन में, ट्रिस्टन स्टप्स भी रख सकते हो, एंड आई थिंक कि चेज हो या फर्स्ट बैटिंग हो ट्रिस्टन स्टप्स दोनों में अभी के लिए ठीक खेलता हुआ दिख रहा है। बाकी यहाँ से शाही होप है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो चुका है शाही होप का, तो मैं उतना स्मॉल लीग के लिए देखो यहाँ से जाऊँगा नहीं, शाही होप के साथ में बहुत नीचे है। अक्षर पटेल एक डिफरेंशियल पे की समझ के चलना, बॉलिंग से मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ अक्षर पटेल से, हो सकता है एक विकेट निकाल जाए, उससे ज़्यादा की उम्मीद यहाँ अक्षर पटेल से है नहीं, बट ग्रैंड लीग की टीम में आप ट्राई कर सकते हो, उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ से ना दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जाने अनजाने में कोलैप्स हुआ ही हुआ इनका जीटी के अगेंस्ट में, बट अक्षर पटेल वो खिलाड़ी रहता है जो लास्ट में आके हर बार रन बना जाता है, यकीन करोगे सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है अक्षर पटेल इन दोनों टीम्स के मैचेस में,
बोलो कि कहाँ बाकी बैटर्स कहाँ गए थे, बाकी बैटर्स भाई क्या पता क्या कर रहे थे, बट अक्षर पटेल सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर रहे इन दोनों टीम्स के बीच में यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में खलील अहमद है, वही फर्स्ट बॉलिंग अगर खलील अहमद करे तो बिल्कुल भाई यहाँ से इम्पोर्ट बनता ही बनता है। पिछले मैच में भी दो विकेट थे, उससे पहले भी लगातार ये विकेट्स निकालता हुआ रहा है। कुलदीप यादव यहाँ की हल्की फुल्की जो स्पिन है उसका फायदा उठा सकता है। पिछले में 3 विकेट थे, आज के लिए 3 नहीं बट 1 से 2 विकेट डेफिनेटली यहाँ से भाई आप कुलदीप यादव से उम्मीद कर सकते हो। मुकेश या ईशांत में से कोई एक आज के लिए ठीक है, जिसमें मुकेश कुमार डेथ में करेगा तो उसके थोड़े से मैं ज्यादा रहूंगा कि यहां से मुकेश कुमार भाई एक ना एक विकेट निकाल सकते हैं। बाकी बेंच की बात करें, रिकी भुई है, यश दुल है, प्रवीण दुबे इनके पास में भाई लेग ब्रेक बॉलिंग कराने के लिए। उसके बाद में रसिक सलाम है, विकी ओसवाल, कुमार कुशाग्रा इनके पास में है, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर मे भी आ सकता है, आया था वैसे तब तो 0 बनाए थे बट हाँ चांस जरूर बनते हैं। उसके बाद में स्वास्तिक चिकारा है, जय रिचर्डसन आज के लिए हो सकता है भाई, अगर वार्नर नहीं खेला ना तो वो एक ओवरसीज वाला जो स्लॉट है वो खाली होता है, उसकी जगह पर जय रिचर्डसन को वापस मौका दिया जा सकता है। बाकी लिजार्ड विलियम्स है, मोस्ट प्रॉब्ली आज के लिए अवेलेबल है नहीं लिजार्ड विलियम्स भी। उसके अलावा अभिषेक पोरेल, ललित यादव यहाँ से रहने वाला है, चांस थोड़े से कम है बट मे भी खिला भी ले। एंड्रिक नोरकिया है, 2 विकेट और 3 विकेट बाहर निकाले थे बट बहुत महंगा साबित हो रहा था, टीम से बाहर है। मिचेल मार्श खेलेगा नहीं, और यहाँ से उसके बाद में सुमित कुमार है जिनको मौके दिए गए बट ज़्यादा कुछ खास सुमित कुमार ने किया नहीं। ओवर्स की बात की जाए तो भाई खलील अहमद, ईशांत शर्मा आपको नई बॉल के साथ में बॉलिंग करते हुए आ जाएंगे, हो सकता है मुकेश कुमार भी करा दें बट खलील अहमद ईशांत शर्मा के चांसेस है पावर प्ले में यहाँ से डालने के। खलील 1 से 2 ओवर भाई ऐसा है कि डेथ में डाल सकता है, अगर शुरुआत में 3 नहीं डाले 2 ही ओवर डाले तो हो सकता है एक आपको भाई कहीं ना कहीं वो 13-14 ओवर एक हो सकता है बिल्कुल आपको डेथ में देखने को मिल जाए खलील की तरफ से। ईशांत शर्मा का ऐसा है कि आपको शुरुआत में, मिडल में और लास्ट में एक डेथ ओवर जरूर देखने को मिल जाता है। ईशांत शर्मा की बॉलिंग बड़ी बटी हुई सी है कि भाई शुरुआत में 2 डलवा दो, एक बीच में आ जाएगा एक डेथ में आ जाएगा। बाकी मुकेश कुमार आपको डेथ बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां से अक्षर पटेल प्लस कुलदीप यादव जो है वो आपको मिडल ओवर ऑब्वियसली कवर करते हुए दिख जाएंगे, तो मतलब ऐसा है कि खलील की तरफ से 1, ईशांत शर्मा की तरफ से 1, 2 मुकेश कुमार की तरफ से 4 ओवर डेथ के यहां हो जाते हैं। शुरुआत आपको ईशांत और खलील की तरफ से होती हुई दिख जाएगी पावर प्ले में। रन्स की बात करें, 6 में से भाई देखो ऐसा है, रन्स के नहीं मैचेस की, 6 में से 4 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने इस ग्राउंड पर जीते हैं, उनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आज तक दिल्ली कैपिटल्स ने जीटी के अगेंस्ट में 1 ही मैच जीता है, वो जो 1 मैच जीता था ना वो इसी ग्राउंड पर जीता था, वो भी एक बहुत छोटा टारगेट डिफेंड करते हुए। बाकी जीटी की टीम ने 13 में से 8 जीते, 5 हारे हैं। रन्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली भाई गिल अहमदाबाद का राजा, 79.25 का एवरेज है, 16 मैच में 951 है। सेकंड सुदर्शन है, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले बट 44.89 का एवरेज है, नॉट आउट रहा नहीं है। अगर एक दो बार ये नॉट आउट रहता ना उनका यही एवरेज 50 क्रॉस करता हुआ दिख जाता। बाकी रन भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाए, 9 मैच में 404। रिद्धिमान की बात करें, 17 मैच में 301 रन है, ज़्यादा अच्छा एवरेज नहीं है बट अभी के लिए भी कहीं ना कहीं मैं वो 15-20 रन तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद में डेविड मिलर है, 10 मैच में 264 44 के एवरेज के साथ में। ऋषभ पंत ने 7 मैच में बनाए हैं 190, 31 का एवरेज रहता है उनका इस ग्राउंड पर। विजय शंकर 7 मैच में 143 है। पृथ्वी शो की बात करोगे, 3 मैच में 142 बनाए हुए पृथ्वी शो ने, 1 बार 82 थे और बाकी अगर देखा जाए तो भाई यहाँ से तकरीबन 60 रन है 2 मैचेस में और, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि बाकी के 2 मैचेस में भी अच्छा ही परफॉर्म किया है, कोई 1 मैच वंडर टाइप नहीं रहा है। राहुल तेवतिया 8 मैच में 114 है, और उसके बाद में अभिनव मनोहर 4 मैच में 109 रन के साथ में। स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना चाहो तो ले लेना। बाकी अगर नेक्स्ट बात करें बॉलिंग की, तो मोहित शर्मा 12 मैच में 26 विकेट, कहीं ना मैं बोलता हूँ कि गिल को सब जानते कि भाई अहमदाबाद पर अच्छा खेलता है, मोहित शर्मा को कोई भाव नहीं दे रहा बट 12 मैच में 26 विकेट निकालना बहुत, मैं बोलूँगा बड़ी बात है यहाँ से, ठीक है। वो भी इस ग्राउंड पर स्ट्राइक रेट देखोगे सिर्फ 10 का है, मतलब हर 10वीं बॉल पर 1 विकेट निकाल लेता है। राशिद खान 13 मैच में 16 विकेट है। नूर अहमद के नाम 9 मैच में 10 विकेट यहाँ से है। उसके बाद में साई किशोर है 5 मैच में 6 विकेट, और 2 का रिकॉर्ड भाई यहाँ से डीसी वालों को भी है। अक्षर पटेल के नाम 8 मैच में 8 विकेट है इस ग्राउंड पर, और ईशांत शर्मा के नाम 6 मैच में है 6 विकेट्स। बाकी और किसी बॉलर का रिकॉर्ड ऐसा देखने को मिलता नहीं है। हेडवर्ड की बात करें, अब तक 3 मैचेस हो चुके हैं दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें 2 तो जीते गुजरात टाइटंस ने और 1 जीता है डीसी की टीम ने। डीसी की टीम ने ना पिछले साल जो मैच हुआ था ना 2 मई 2023 को, वो इसी ग्राउंड पर हुआ था, ठीक है, इसी ग्राउंड पर हुआ था, और डीसी ने 130 बनाए थे, गुजरात टाइटन्स 125 पर ही रुक गई थी 20 ओवर में, इतना छोटा टारगेट डिफेंड कर लिया था, और यहाँ इनसे 162 का टारगेट डिफेंड नहीं हुआ था पिछले साल ही 4 अप्रैल को जब मैच हुआ था, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर भाई इन्होंने 130 डिफेंड किए थे। अक्षर पटेल देखो 27 रन, कोई नहीं चला था इसमें, कोई नहीं चला था बैटिंग में, लिटरली सबके 10, 12, 0 ऐसे रन थे,
अक्षर पटेल फ्रॉम नोवेयर 27 रन थे 30 बॉल में, दो विकेट खलील ने निकाले, दो निकाला ईशांत शर्मा ने, एक नोरकिया, एक था कुलदीप यादव का, चार ओवर में मात्र 15 रन देकर। यहां से अभिनव मनोहर ने भाई 26 बनाए थे, सात बॉल में 20 बनाए थे तेवतिया ने लास्ट में आकर, एक विकेट राशिद खान और दो विकेट थे इस मैच में मोहित शर्मा के। एंड देखोगे मोहित शर्मा पहले बॉलिंग करते हुए, ठीक है, इसीलिए तुम बोल तो पहले बॉलिंग में काफी इंपॉर्टेंट। बाकी 4 अप्रैल को उसी सीजन मैच हुआ था, डीसी ने 162 बनाए गुजरात टाइटन्स के, 18 ओवर में चेज कर दिया, वार्नर के 37 थे, पोरल के 20, अक्षर पटेल फ्रॉम नोवेयर 36 बनाए थे भाई ने 22 बॉल में, ठीक है। अब देखोगे ना ओपर वाले के रन भी है कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, बट स्टिल यहां से अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल लास्ट में आई गया रन बनाने के लिए। नोरखिया के दो विकेट और खलील अहमद का एक विकेट, विकेट नहीं निकाले इसने, रन बनाए, अजीब चीज है। सुदर्शन के इस मैच में 62 थे, विजय शंकर के 29 है, मिलर के 31 थे और 3 विकेट थे राशिद खान के। और उसके बाद में 2 अप्रैल को मैच हुआ था जिसमें ये कि गुजरात टाइटन्स 171 थे 2022 में था, डीसी की टीम 157 ही बना पाई थी। गिल 3 मैच में से सिर्फ एक में ही चला है, ठीक है। गिल को अगर आप देखोगे इन दोनों मैचेस में गिल के रन बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, होंगे भी तो 7-8 रन थे, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इन टोटल 3 मैच में शायद 107 रन है गिल के, 107 या 104 रन है, जिसमें से 84 रन भाई के पहले मैच में, पहली जो बार जब खेला था ना 2022 में, तभी 84 बना दिए थे, उसके अलावा गिल की तरफ से कोई पारी है नहीं। डेविड मिलर ने बनाए थे 20, राशिद खान का एक विकेट, ऋषभ पंत भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एक ही मैच में चला है 43 थे, ललित यादव के उस मैच में 25 थे, खलील के 2 विकेट और 1 विकेट यहां से कुलदीप यादव का था। तो भाई कुलदीप यादव, खलील अहमद ये चले हैं, अक्षर पटेल एज अ डिफरेंशियल साबित हुआ है पिछले 2 मैचेस में, रन बना दिए, विकेट नहीं लिए। उसके अलावा वार्नर ने भी को बहुत बड़ी यहाँ से तोप नहीं निकाली है, 37 ही बनाए वार्नर ने, यहाँ भी वार्नर के रन नहीं थे, वहाँ भी नहीं थे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं ना कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी का नहीं है यहाँ से, विकेट्स वगैरह के मामले में ज़रूर है राशिद खान, खलील अहमद, कुलदीप यादव, ठीक है, इन सब का। उसके बाद में प्लेयर बैटल की बात करें, शाहरुख खान खलील के अगेंस्ट भाई 3 बार आउट हो चुका है, वो भी मात्र 10 बॉल में। शुभमन गिल अगेंस्ट नोरखिया 3 बार आउट हो चुका है, रिद्धिमान साह अगेंस्ट नोरखिया 2 बार आउट हो चुका है। तो अगर नोरखिया खेला तो यहाँ से शुभमन गिल, साह किसी न किसी एक को ज़रूर आउट कर सकता है शुरुआती ओवर में। मैथ्यू वेड अगेंस्ट जाय रिचर्डसन और डेविड मिलर अगेंस्ट कुलदीप यादव 2 बार आउट हो चुका है। दूसरी तरफ से देखोगे डेविड वार्नर, पृथ्वी शो, जो चीज़ मैंने बोली कि भाई यहाँ के जो ओपनर से डीसी के उमेश यादव के अगेंस्ट में ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते, पृथ्वी शो 2 बार आउट हो चुका है 21 बॉल में और डेविड वार्नर भी 2 बार आउट हो चुका है 17 बॉल में। तो ये रहते हैं अभी के लिए जो प्लेयर बैटल सब चीज़ें। अब देखो टीम की बात करें, मैं टीम से पहले आपको बता दूँ कि आपको पता है 25,000 रुपये गिव अवे भी चल रहा है, हाँ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो माइल एंड सर्कल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से जाके डाउनलोड कर लेना, 1 रुपये एंट्री फीस है और साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्शन में कोड भी दिया है, जिसका जो भाई यूज़ है ना वो क्या है कि आप जब पहला अपना डिपॉजिट करोगे, आपके जो फर्स्ट डिपॉजिट है उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, रियल कैश की मैं बात कर रहा हूँ, बोनस की नहीं, बोनस तो 1500 अलग है, रियल कैश की बात कर रहा हूँ। तो उस कोड का यूज़ कर लेना, रियल कैश भी आपको मिल जाएगा, आपके पहले डिपॉजिट आप जितना भी करते हो उसका 20% एक्स्ट्रा आपके वॉलेट में जाएगा। तो जल्दी जाके डाउनलोड कर देना माइल इन सर्कल, इससे पहले कि लीक फुल हो जाए, ठीक है। अब देखो अगर बात करें हमने विकेट कीपर्स के, तो भाई साह, ऋषभ पंत दोनों को रखा है मैंने, शुभमन गिल, साई सुदर्शन है। इन केस अगर नोरखिया खेला तो मैं यहाँ से भाई ऐसा है कि साह की जगह पर फिर मिलर वगैरह के साथ में जा सकता हूँ। बाकी शुभमन गिल, साई सुदर्शन, स्टब्स, पृथ्वी शो, ऋषभ पंत हो गए, राशिद खान है, कुलदीप यादव और खलील अहमद को रखा है, इधर से नूर अहमद और मोहित शर्मा है। हालांकि ये दोनों एक टीम में मैं बोलूँगा ज़्यादा जमते नहीं है दोनों को एक टीम में रखना, क्योंकि दोनों क्या है फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा बेहतर करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर सेकंड बॉलिंग में करेगा तो भाई एक विकेट तो निकाल सकते हैं, 2-3 वाली उम्मीद तो नहीं रहती है उस टाइम पर, बट एक विकेट तो जरूर है, तो इसीलिए दोनों को एक साथ रखा हुआ है। नूर अहमद मेरी टीम में आज के लिए एज अ डिफरेंशियल पिक यहां से मैंने पिक किया हुआ है, चाहो तो इनको रिप्लेस करके किसी और आप बैट्समैन वगैरह के साथ में या फिर किसी और बॉलर के साथ में भाई बिल्कुल जा सकते हो, जैसे कि नूर अहमद की जगह पर चाहो तो उमेश यादव को रख सकते हो, ठीक है। कैप्टन क्या है, शुभमन गिल को, वाइस कैप्टन राशिद खान है, कैप्टन शुभमन गिल करके वाइस कैप्टन पृथ्वी शो, एक अलग से डिफरेंशियल मैं बोलूंगा, एक बोलते हैं ना थोड़ा सा रिस्क आपके साथ में हो जाता है, एंड ऋषभ पंत यहाँ से थोड़ा मोर ऑफ द सेफ ऑप्शन भी बन जाते हैं। मैं अभी के लिए क्या राशिद खान ऐसे जा रहा हूँ, बाकी रिस्क लेना हो तो मोहित शर्मा भी है, बट सिर्फ पहली बॉलिंग में, ठीक है, पहले बॉलिंग करते हो, सेकंड में मत लेना वाइस कैप्टन का रिस्क। तो ये जाती है अभी के लिए टीम एंड सब चीज़ें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है फटाफट से वो भी कर लो, एंड हाँ टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अगर लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, वापस याद दिला रहा हूँ देखो, क्योंकि लाइक नहीं करते और मोटिवेशन नहीं मिलता है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, 7,000 लाइक है इस वाले का, तो फटाफट से आई होप की कर दोगे कर देना, एंड बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।